सोलन के ठोडो मैदान में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 50 टीमों के करीब 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने किया। पुलिस अधीक्षक ने सदे हुए खिलाड़ियों की तरह बैडमिंटन कोर्ट में खेल का प्रदर्शन भी किया। प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मना चुके खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश प्राशर ने बताया कि वे पिछले 16 वर्षों से प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जिला के खिलाड़ियों को न केवल खेलने का मौका मिलता है बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने बताया कि सोलन में खिलाड़ियों के लिए एक ही इंडोर कोर्ट है और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी बहुत ज्यादा हैं, जिसके चलते सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए वे जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि टोडो में बने इस कोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए ताकि खिलाड़ी खेल का अभ्यास कर सकें। पिछले 16 वर्ष से हम लगातार सोलन डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा शून्य मेले पे हम इंटर स्कूल चैंपियनशिप करवाते हैं और उसके साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल भी हम कर रहे हैं और इस साल पिछले वर्षों से और भी अधिक हमें प्रोत्साहन मिला है, लोगों को पार्टिसिपेशन मिली है। लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर अपनी एंट्रीज दी हैं। वेरियस उसमें हमारे 13 अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 इंटर स्कूल चैंपियनशिप में है और फिर अंडर 19 और मेन्स ओपन, ये हमारे ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें। हमारी को जो मांग रहेगी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, यहाँ पे एक दूसरा कोर्ट, कम से कम एक इसमें दो कोर्ट बनने का प्रावधान है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, भाई जब तक इंडोर स्टेडियम नहीं बन जाता या कोई और स्टेडियम नहीं बनता, तो यहाँ पे कम से कम इसी हॉल में दो कोर्ट बनाने का प्रावधान किया जाए।